First option. Yeah. 4K camera. I know, but it looks like this. अगर ये लेंगे ना तो इससे अच्छे-अच्छे शॉट्स आएंगे, वाइड व्यू, यू नो, और सब्सक्राइबर्स को इंटरेस्टिंग हुआ देखने के लिए भी। हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? अगर आप लोग का दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो मेरा ये ब्लॉग देखिए, जरूर से अच्छा जाने वाला है। तो अभी बजे है दोपहर के, आई कैन सी द टाइम, या अभी बजे है पौने चार और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मैंने ये वाटरमेलन अपना बाहर निकाल लिया है, उसे खाने की ट्राई करती हूँ, शायद पता चल जाए उसके बाद क्या करना है। और जो मैंने दही बड़े का बैटर बनाया था ना, तो बैटर तो मैंने बना लिया, ग्राइंड करके मस्त बन गया है वो, पर जो मेरा डिनर का प्लान था वो तो उस दिन कैंसिल हो गया, तो अभी वो इतना ही पड़ा है। और वो था 5 लोग के लिए और हम दोनों खैर है दो लोग, तो इतना सारा बैटर का मैं क्या करूँ? अगर आप लोग कुछ आइडिया है कि ये बैटर का हम लोग क्या कर सकते हैं और कोई रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका और तरीके से भी यूज़ होता है। और यह तब तक मैं फिगर आउट करती हूँ कि क्या करूँ। एक आइडिया है मेरे को, मैं उसका चिला बना सकती हूँ। और ये है कुछ मेरी खेती ऐसी है, और बहुत ही धूप है बाहर। यहाँ पे अमेज़न का ट्रक आया, किसी का पार्सल आ रहा है। ये मैंने तुलसी उगाया था, देखो इतना सारा उग गया है। और ये भी है बहुत सारा, मस्त बहुत ही हेल्दी वाला। ये मैं भाभी के वहाँ से लाई थी। ये है मेरे पेपर, मिर्च है, ये मिर्च है, चेरी टमाटो है, ये है वालड़ बीन, इस पर अभी कुछ आया नहीं है फल। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखो यहाँ पर फूल आ गए हैं। ये टोमेटो प्लांट है, ये चिली है, वो भी चिली है, या ये गवार सिंह है, ये अजवाइन है, और ये मैं कुछ ऐसी। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ये आरू जग के आ गया। हाय आरू, हाय हाय आरू, आरू चुप के आ गए। हम लोग सोनू गुंड बाबलो और आके मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे को चिपक रहा है, छोड़ के कहीं जाना नहीं है उसको। ए गुमलू, अली 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 अली। अभी बैटरी चार्ज होके आई है, सो के आई है। अभी देखना वो कैसे पावर निकलता है उसका, थोड़ी देर के बाद देखने को मिलेगा जो भी है। तो अभी खा रहा है आरुष ब्लूबेरी। वो छोटू था ना तब वो इतना ब्लूबेरी खाता था, बहुत पसंद था उसे, फिर बीच में पता नहीं क्या हो गया। ऐसे नहीं आता आरू, इतना सारा, फिर बीच में पता नहीं क्या हो गया, तो उसे ब्लूबेरी अच्छी ही नहीं लगती थी, फिर वो स्ट्रॉबेरी का फैन हो गया। अभी स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी दोनों खाता है आली, है ना आरुष? क्या बना रही है? दही बड़े, जो मंडे हमारा प्लान था ना। ये देखो कैसे क्रिस्पी बने हुए, अच्छा अच्छा। और उसके लिए मैंने नई एक हैक निकाली, बताया अभी दिखाती हूँ आप लोग को। मंडे ये पूरा भर के मैंने बैटर बनाया था 5 लोग के लिए, तो अभी हम दोनों के लिए मैं बड़े बना रही हूँ और आज हम दही बड़े खाएंगे। और ये मैंने कुछ अच्छी सी यूजफुल हैक निकाली है जिससे हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते और परफेक्ट छोटू छोटू बड़े आ जाते हैं। देखो बड़े अच्छे बने। और नमिश को है ना ये बड़े, दही बड़े कैसे होते हैं कि हम लोग डीप फ्राई करके डायरेक्ट पानी में डुबो के फिर उसको निचोड़ के वही यूज़ करते हैं ना, तो नमिश को क्रिस्पी वाले चाहिए, तो पानी वाला हम लोग नहीं करने वाले आज। और ये देखो उसमें से टिपक टिपक हो रहा है, अच्छा उसका। ये भाई हमारे लर्निंग शेफ है यहाँ पे। देखो ये है मेरी ट्रिक, और मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो मस्त दिख रहा है ना। मैंने 2-3 चक भी लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, किसी भी चटनी और सॉस के साथ खा जाओ, मजा आ जाएगा। ये देखो हमारी ये हैक से कितने अच्छे छोटू छोटू बड़े बने हैं और हमारे हाथ भी गंदे नहीं हुए। ग्रेट सक्सेस। ये मुझे हाथ गंदा होता है ना, बारी बारी धोने जाओ, वापस से बड़े बनाओ। मुझे ये इजी लगा ज्यादा। चलो अभी हमारे दही बड़े की सारी प्रिपरेशन हो गई है, सारे कॉन्डिमेंट्स यहाँ पे रेडी है। ये इमली की चटनी, ये मीठा दही, ये ग्रीन चटनी, ये मसाला पीनट्स, टमाटर, अनियन एंड ग्रीन चिली, यानी हमारे फ्राइड वड़े। तो हम बनाने वाले हैं आज दही वड़ा चाट, सो लेट्स जॉइन अस। और वो एक चीज रह गई, फाइन भुजिया रह गया। स्पेशली हम लोग ने ये बड़े जो भिगोए नहीं थे ना पानी में, ये क्रिस्पी रखे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये बहुत ही यम्मी लग रहा है मुझे। मैं शायद आई थिंक 2 साल के बाद खा रही हूँ ये दही बड़े, है ना नहीं मिश? हम लोग ने ओजस्विनी के घर पे हम लोग ने पोटलक किया था, यस, उसके बाद शायद एक बार इतने वो ओजस्विनी के घर कितना 3 साल हो गए। हाँ तो बनाए बात ना थी आपने कोई दी बनाए मचे? I think so. I don't think so. मम्मी, मॉम डैड यहाँ पे थे, बनाया होगा किसी कभी ना कभी। मैं बनाया था। नमिश कैसा लगा? अच्छा। Especially ये क्रिस्पी बड़े काफी अच्छे लग रहे हैं ना? It was my suggestion. Yes, it was Namish's suggestion. मैं तो पानी में डालने वाली थी जो ट्रेडिशनल बड़े होते हैं वैसे ही, पर नमिश ने बोला नहीं ये क्रिस्पी वाले ज्यादा अच्छे लगेंगे, तो here it is, और वो काफी अच्छे लग भी रहे। और हमारा आरू भी कुछ ऐसे खा रहा है, वो नहीं खा रहा है, वो सिर्फ उसने बड़े ही खा रहा है ऐसे ही। चलो फाइनली आज मेरे इंतजार का फल मिलने वाला है मुझे। आज हम दोनों आ गए अभी कोस्को, पता नहीं नमिश क्या देने वाले हैं मुझे, पर आज मेरा 90th का व्लॉग है और एज नमिश ने प्रॉमिस किया था वैसे वो मुझे कुछ देने वाले हैं। और ये बात उसके पेट में भी रह गई है कि वो दूसरा ऑप्शन किया था, पहला वाला तो मैंने डिनाई कर दिया कि वो मुझे नहीं चाहिए ड्रोन, दूसरा एंड तीसरा ऑप्शन है उसके पास, लेट्स सी क्या है। तो हम लोग आए हैं कॉस्को। चलो ये रहे नमिश कुछ ढूंढ रहे मेरे लिए। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? व्हाट? I know we got him, I just bought this one. Oh, you want to buy me a Fitbit? You have to be healthy, you know? If I buy this... I'm healthy. No, you have to go run, you have to go exercise and do all these things. I might not be a fit, but I'm healthy. You have to be fit. So, this was the second option? What was the third option, Namish? Third option? Third option was earbuds. Oh. And during the night, yes, Arush makes a lot of noise. If you are doing something on the laptop, we can just have our earbuds on and we can talk to someone and you won't make fuss of it. So I would prefer buds over this watch because yeah, you don't want to be fit. No, I want to be fit, but my phone doesn't compatible with any earphones, like it doesn't have a plug, so that will be a more functional earbuds. Okay, chalo. Oh Namish, there is so many diamond option if you want to buy me something. See, these are the real diamonds. You wanna buy me something? Real pearl. Here. We have this one. Oh. तुम्हारे पास भी यही है नमिश. एक्सचेंज हो जाएगा तो हम दोनों का. एक ही ऑप्शन. Second option was this one, you know. The first one. First option. Yeah. Okay, camera. I know, but. It looks like this. अगर ये लेंगे ना तो इससे अच्छे-अच्छे shorts आएंगे, wide view, you know, और subscribers को interesting हुआ देखने के लिए भी. वो बात सही है. पर मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरी कम्युनिटी मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे ग्रो करने में और जितना भी मैं कर पाऊंगी उससे मैं ये खरीदूंगी. सो या सपोर्ट मी नर सपोर्ट आर आजीवन फैमिली. सो या आई कैन गिव यू अ वंडरफुल शॉट्स बाय द ड्रोन. नमिश को मैं कुछ भी बोलूँ मना नहीं करेंगे, पर या मुझे अंदर से ऐसा है कि मैं खुद वो बाई करूँगी. आई डोंट वांट टू बी अ ग्रीडी नमिश इन फ्रंट ऑफ यू. और ये कुछ ऐसा दिख रहा है ड्रोन मिनी बंडल. पड़ी जाए तो रोटला कोई नहीं गड़ी दे. इतने में गिर जाएगी तो कुछ लग नहीं जाएगा तेरे को. मेरी कमर वमर टूट सकती है, मेरी टांग टूट सकती है, मेरा सिर टूट सकता है. हाँ, कुछ भी हो सकता है. इतनी हाइट से गिर के तेरा सब कुछ हो जाएगा क्या? हाँ तो कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे देखो, यहाँ कितना बड़ा लकड़ी है. मेरा सिर टूट सकता है ना. तो हम लोग अभी आ गए हैं कोस्को से हमारे वाले लेक पे. यहाँ पे थोड़ा वॉक करने का सोच लिया हम लोग ने, वरना तो हम लोग बड़े वाले लेक में जाने थे कल वाले लेक में. फिर यहीं पे आ गए. आरू खेल रहे और नमिश ये वाले झूले में अपना वीडियो शूट कर रहे. आरुष तो भाई मेरा तो पेट बहुत ही फुल हो गया है दही वड़ा खाने के बाद. मुझे इतनी सुस्ती आ रही है, सही में मुझे सोने की इच्छा हो रही है अभी. पर अभी खैर बजे से 7:30, इसलिए हम लोग यहीं पे आ गए. और या थोड़ा झुलाया नमिश ने मेरे को उस वही दिन जैसा किया. उसने ज़ोर ज़ोर से झुलाया और मैं उतने ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई. एंड अगर आप लोग ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कुछ ना कुछ. आप क्या सोचते हो ये वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में. एंड या अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए. एंड जो बाजू में वो घंटी है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड इसी तरह हर रोज़ मिलूंगी नए दिन के साथ. बाय.